फिट रहे आप, फिट रहेगा इंडिया। तो हम बता रहे हैं आपको कि सर्दियों में आप स्किन को कैसे चमकदार बना सकते हैं, ड्राइनेस ना हो आपके फेस में और चेहरा हर वक्त आपका चमकता दमकता हुआ दिखाई दे। इसके लिए चलिए अब बताते हैं आपको कुछ घरेलू टिप्स। तो घरेलू टिप्स में सबसे पहले आपको बता दें कि चेहरे को खीरे के रस से साफ करेंगे तो इससे भी बहुत फायदा आपको मिल सकता है। इसके अलावा आधा कप दही में एक छोटा चम्मच जैतून का तेल और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही दो चम्मच जौ का आटा, मसूर की दाल या फिर बेसन में नींबू का रस मिलाएं और इसे चेहरे पर लगाएं। रुई को ताजे दूध में भिगोकर चेहरे को अगर उससे साफ करेंगे तो एक क्लींजर की तरह काम करेगा और ड्राइनेस भी आपको नहीं महसूस होगी। देखिए जितनी चीजें भी आपने ये कही हैं जो कि घरेलू उपाय हैं वो दुनिया इस्तेमाल करती है, पर जहां तक देखा गया है कि मैंने जितना पहले भी कहा कि ये सारी चीजें जितना दूध है दही है वो ऑयली चीजें होती हैं और जो पोर्स हैं आपके स्किन के वो बंद भी कर देती हैं। इसलिए अगर आपको पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो अगर आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके स्किन पोर्स है वो बंद हो सकते हैं और आपकी जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ भी सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने दर्शकों से यही कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ड्राई स्किन से, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि आपकी स्किन टाइप से और आपके स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसका जो इलाज है एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट ही दे सकता है घर बिठाए नुस्खे में। चलिए इसके अलावा हम आपको बता दें कि अपने लास्ट एपिसोड में हमने डैंड्रफ के बारे में बातचीत की, डॉक्टर बत्रा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कि सर्दियों में अपने सर के डैंड्रफ से आप परेशान हो जाते हैं तो उसका कैसे आप निवारण ढूंढें इसके बारे में हमने आपको बताया था। और तमाम मेल्स भी हमारे पास आई है तो मेल्स का जवाब दे देते हैं। डैंड्रफ की वजह से चेहरे पर खुश्की जो आती है इसको लेकर क्या किया जाए, शफाक अहमद ने सऊदी अरब से सवाल पूछा है। डॉक्टर साहब इनके सवाल का क्या जवाब देंगे आप? देखिए जो रूसी आ जाती है जिससे मैंने अपने हमारे पहले एपिसोड में भी बताया था कि अगर थोड़ी बहुत रूसी है तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जिस तरह मार्केट के अंदर शैम्पूज वगैरह मिलते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं, अक्सर दुनिया करती ही है, पर अगर फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि हो सकता है आपको सैलिसिलिक एसिड और टॉपिकल स्टेरॉइड्स की प्रिपरेशन होती है जो कि अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं ऐसे केसेस के अंदर, वो अगर आप थोड़ा सा इस्तेमाल करें एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंदर। अंकिता बख्शी का भी हमारे पास सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि सिर पर सोरायसिस है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए सोरायसिस जो कि बीमारी है वो अक्सर सर्दियों में देखा गया है कि बढ़ती है, और इससे बचने के लिए आप यही है कि जिस तरह सर्दियां शुरू होती हैं तो आप जिस डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप सर के ऊपर जो भी आपको टॉपिकल मेडिकेशन दी गई है उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। अक्सर हम ये देखते हैं कि सर्दियों के अंदर एक से दो बार अगर वो चीजें लगती रहे सर के ऊपर तो सोरायसिस जो है वो ज्यादा नहीं होती है। जी, और जी अबू धाबी का भी एक ईमेल आया, उन्होंने पूछा है क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सुरक्षित है? देखिए हेयर ट्रांसप्लांट का जहां तक सवाल है सुरक्षित बिल्कुल है अगर आप एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटो सर्जन से करवा रहे हैं, पर सिर्फ यही है कि टेक्निक ठीक होनी चाहिए। साथ ही साथ आजकल जो हम सिंगल हेयर फॉलिकल ट्रांसप्लांट की बात कहते हैं जो कि अक्सर देखा गया है कि फिल्मी हस्तियां करवाती हैं, क्रिकेटर्स कराते हैं, तो उसके लिए जाएं, ना कि पुरानी जो कि पंच ग्राफ्टिंग टेक्निक से किए जाते थे जो जिनका रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं। थोड़ा आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल मिलता सब कुछ है पर हर चीज की एक कॉस्ट होती है, एक प्राइस होती है। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो कई लोगों के लिए प्राइस मैटर नहीं करती है और वो ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो आपको हमने बताया कि किस तरह से आप डैंड्रफ का इलाज कर सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने इसी टॉपिक को इंक्लूड भी किया था, डॉक्टर बत्रा साहब ने तमाम टिप्स भी दिए थे। तो अगर आपके आज के एपिसोड से जुड़े हुए कोई सवाल है, स्किन का कैसे आप ख्याल रखें, ड्राइनेस महसूस होती है, सर्दियों में एक्ने होते हैं, इससे जुड़े कोई सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो fitrahoatliveindia.tv पर आप मेल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपके ईमेल्स का जवाब देंगे। इसी के साथ ही फिट रहेगा इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। डॉक्टर बत्रा आप स्टूडियो में आए, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Take care, bye-bye.